हेलो फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा जो पैटर्न है वो ये वाला है। देखिए ये जो है टोकरी की तरह डिज़ाइन बनता जाता है इसका। देखिए बास्केट वीव डिज़ाइन आप इसको बोल सकते हैं। देखिए तो ये डिज़ाइन जो है देखने में बहुत ही प्यारा लगता है, और ये देखिए किसी भी प्रोजेक्ट पर आप डाल सकते हैं, लेडीज़ जेंट्स या बच्चों के, या ब्लैंकेट्स बना सकते हैं, शॉल्स बना सकते हैं इस तरह से, और जल्दी से बन जाता है ये डिज़ाइन। बहुत ही इजी है, इसकी रॉन्ग साइड जो है वो इस तरह से बनती जाएगी, और इसमें जो है हल्का सा जालीदार डिज़ाइन है जो बहुत ही अच्छा लुक देता है। तो इस पैटर्न को हमने यहाँ पे 12 इजी रोज में बनाना है। तो यहाँ ये देखिए, ये डिज़ाइन मैंने 2 बार बनाने के बाद एक बार आधा बनाया हुआ है, तो ये इतना बनने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। तो इस पैटर्न को हमने 12 सिलाइयों में बनाना है, 12 रोज का रिपीट पैटर्न है। और इसके लिए देखिए हमने जो स्टिचेस हैं वो कितने बनाने हैं, तो इसके लिए हमें 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, 8+8 करके, और लास्ट में हमने 3 फंदे और बनाने हैं जिसमें से 2 जो हैं एजेस पर रखेंगे हम। तो चलिए अभी इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए हमने फंदे जो हैं, जैसा कि मैंने बताया, 8 के मल्टीपल में लेने हैं। तो यहाँ पे मैंने 8 के मल्टीपल में 16 फंदे बना लिए हैं, और उसके बाद 3 फंदे और बनाए हैं। तो टोटल यहाँ पे जो है मैंने 19 फंदे जो हैं वो बना रखे हैं। तो अब देखिए इस पैटर्न को बनाने के लिए जो है हम अगर बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और अगर नहीं बनाना है तो भी ये अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप बॉर्डर वगैरह बना लेंगे उसके बाद फ्रंट साइड से हमने इसे शुरू करना है। रो 1 देखिए किस तरह से बनाएंगे हम फ्रंट साइड पे। तो पहला फंदा तो हमारा SH है, उसे हम स्लिप करेंगे। उसके बाद देखिए अब हमारा 8 फंदों का रिपीट पैटर्न जो है वो शुरू होगा। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हमने 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, 2 और ये 3। तो ये 3 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, फिर धागा पीछे करने के बाद 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1, 2, 3 इस तरह से। तो ये देखिए 3 उल्टे और 3 सीधे, और इसके बाद फिर हमने धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे बनाने हैं, 1, 2। तो पहला ऐसे छोड़ने के बाद यहाँ से यहाँ हमारे 8 फंदे होते हैं, और जैसे हमने इन्हें बनाया है वैसे रिपीट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब हमने रिपीट करना है, जब हम रिपीट करेंगे तो ये 2 फंदे उल्टे और आगे 3 फंदे उल्टे और बनेंगे, तो 5 फंदे उल्टे आते जाएंगे और 3 फंदे बीच में सीधे सीधे आते जाएंगे। तो ये 8 फंदों को रिपीट कर लेंगे, 1, 2, 3 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, 1, 2, 3, फिर 2 फंदे उल्टे, और यहाँ पे देखिए एक फंदा हमारे पास यहाँ पे ये बच जाएगा, इसे हमने उल्टा ही बनाना है। और लास्ट में हमारा SH आ जाता है, इसे हम सीधा बना लेते हैं, इसे उल्टा भी बना सकते हैं, इसे जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसे बना लीजिए लास्ट स्टिच। तो ये हमारी रो 1 इस तरह से बनती जाएगी। और रो 2 अब रॉन्ग साइड पे हम बनाएंगे, और रो 2, रो 3 और रो 4 जो है हमने वो इस तरह से बनानी है कि जो सीधा फंदा हमें जहाँ पे सीधा लगेगा उसे हमने सीधा बनाना है, और जो हमें उल्टा दिखाई देगा तो उल्टा बनाते जाना है। तो ये रो 2 पहला फंदा स्लिप करने के बाद धागा हम दूसरी ओर कर लेंगे, और 3 फंदे सीधे नजर आ रहे हैं, इन्हें हमने सीधा बना लेना है। फिर उसके बाद देखिए 3 फंदे हमें उल्टे नजर आएंगे, उन्हें हम उल्टा बना लेंगे। फिर हमें देखिए यहाँ पे 5 फंदे सीधे नजर आएंगे, ये हम सीधे बना लेंगे ऐसे। फिर देखिए 3 फंदे उल्टे नजर आएंगे, 3 उल्टे बनाएंगे,
उसके बाद देखिए ये तीन सीधे नजर आ रहे हैं, इन्हें हमने सीधा बनाना है। और लास्ट में एस स्टिच है, इसे उल्टा ही बना लेते हैं, सीधा भी बना सकते हैं इसे, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लास्ट वाले फंदे को बना लीजिए। अब देखिए ये जो दो सिलाइयां हमने जैसे बनाई हैं वैसे ही हमने थर्ड और फोर्थ रो भी बनानी है, और फिर इससे हम चार रोल जो है पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है मैंने चार रोज बना ली हैं, और चार रोज बनाने के बाद ये इस तरह से नज़र आएगा। तो ये देखिए बीच में जो हमारे उल्टे फंदे आएंगे वो पांच होते जाएंगे, साइड में हमारे देखिए एक एस स्टिच और तीन उल्टे दोनों तरफ आते जाएंगे, और ये तीन फंदे जो हैं सीधे सीधे इस तरह से आते जाएंगे। अब हम बनाएंगे रो फाइव। रो फाइव देखिए, रो फाइव बनाने के लिए हमने पहला फंदा स्लिप कर लेना है, धागा अपनी ओर है तो हम धागा पीछे कर लेंगे, क्योंकि अब ये रो फाइव जो है हमारी पूरी धागा इस तरह से दूसरी ओर रख के ही बनाएंगे हम सीधी सीधी, लेकिन यहाँ पे चेंज है किस तरह से बनाएंगे देखिए, क्योंकि ये सीधी सीधी बनानी है। तो अब देखिए पहले हमने दो फंदे जो उल्टे नज़र आ रहे हैं, तीन फंदे उल्टे नज़र आ रहे हैं, लेकिन शुरू के दो फंदे हम पहले सीधे बना लेंगे, दो फंदों को निट करेंगे ऐसे। उसके बाद अब देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एक जाली इस तरह से डालेंगे धागे को आगे करके, फिर उसके बाद देखिए सीधा और उल्टा फंदा ये हमने इस तरह से साथ में बुन लेना है। तो एक फंदा हमने यहाँ पे बढ़ाया और यहाँ पे एक कम कर दिया, और इस तरह से हम यहाँ पे जो है एक जाली डालेंगे। उसके बाद एक फंदा सीधा बुन लेंगे जो सीधा है बीच का, उसके बाद ये सीधा और एक उल्टा उसके आगे वाला, इन दोनों को स्लिप करके घुमा के हमने दोनों को इस तरह से साथ में बुन लेना है, और उसके बाद जाली डालेंगे ऐसे। इसके बाद देखिए तीन फंदे हमने जो उल्टे नज़र आ रहे हैं तीन सीधे बनाने हैं, और यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है ये इसके लिए बेस तैयार हो रहा है इस तरह के डिज़ाइन के लिए। अब फिर से ये देखिए जहाँ पे सीधा और एक उल्टा फंदा हमने इकट्ठा बुनना है, तो उससे पहले हम एक जाली डाल लेंगे, और ये इन दोनों को इस तरह से साथ में शुरू में जो है उनको इस तरह से हमने साथ में बुनना है। बीच वाला सीधा फंदा ऐसे बुनेंगे हम सीधा, और जो आगे वाले दो फंदे हैं सीधा और उल्टा उन्हें हम स्लिप करके घुमा के ऐसे साथ में बुनेंगे। उसके बाद जाली डालेंगे, और ये देखिए लास्ट में दो फंदे सीधे बुन लेंगे, और लास्ट में एस स्टिच है उसे भी हम सीधा बुन लेंगे इस तरह से। तो ये फिफ्थ रो हमने इस तरह से बनानी है। उसके बाद देखिए सिक्स रो हमारी पूरी आसान है, रॉन्ग साइड पे जितनी भी रोज हैं वो हमारी पूरी इजी हैं। तो ये हमने एक फंदा स्लिप करने के बाद सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही इजी है, और बिगिनर्स भी इस पैटर्न को बहुत आसानी से डाल सकते हैं, और ये बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो ये हमने सिक्स रो कंप्लीट कर ली है, और इसके बाद देखिए अब हमने देखिए सेवन्थ रो बनानी है, और अब देखिए हमने क्या करना है, अब हम पहला फंदा तो स्लिप करेंगे, उसके बाद अब देखिए दो फंदे जो ये हैं जाली से पहले वाले ये हमने सीधे बुनने हैं, उसके बाद धागा अपनी ओर कर लेंगे, और ये जाली से लेकर यहाँ जाली वाले ये पांच फंदे जो हैं उल्टे बुनने हैं। एक दो तीन चार पाँच इस तरह से, फिर धागा हम पीछे कर लेंगे, और एक फंदा हमने यहाँ पे अब सीधा बुन लेना है। तो यहाँ से यहाँ हमारे ये आठ फंदे जैसे हमने बनाए वैसे रिपीट करेंगे। तो एक ये दो फंदे हमने सीधे बुनने हैं, फिर धागा अपनी ओर करने के बाद पांच फंदे उल्टे बुनने हैं, ऐसे, फिर धागा पीछे करेंगे, और एक फंदा हमने सीधा बुन लेना है ऐसे। तो ये हमने आठ फंदे रिपीट कर लिए हैं, और अब हम जो लास्ट में दो फंदे हैं इन्हें भी सीधा सीधा बुनेंगे।
अब हमने 8th row बनानी है। देखिए 8th row इजी है, सीधे पर सीधा फंदा और उल्टे पर उल्टा फंदा बनाएंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे और आगे देखिए हमने 2 फंदे उल्टे बुनने हैं जो उल्टे दिख रहे हैं, और उसके बाद धागा पीछे कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने 5 फंदे सीधे बुनने हैं, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 उल्टे दिख रहे हैं, उन्हें उल्टा बुन लेंगे, सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा फंदा ही बनाएंगे। फिर 5 फंदे सीधे बुनेंगे, और लास्ट में हमने 3 फंदे उल्टे बुन लेने हैं ऐसे के समेत ऐसे। तो यहाँ पे हमारी जो है अब 8 रोज हमने कंप्लीट कर ली हैं, और इसके बाद हमने जैसे ये 1 एंड 2 रो को रिपीट करके जो है 3rd और 4th row बनाई थी, वैसे ही 7th और 8th row को रिपीट करके हम 9th और 10th row बनाएंगे। इस तरह से हम 10 रोज पूरी कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम ये 2 रोज लास्ट 2 रोज जो है 7 और 8 रोज को रिपीट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी 10 रोज जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब लास्ट हम 11th रो पर फ्रंट साइड पर 11th रो बनाएंगे, तो 11th और 12th रो ही रह गई हैं बनाने के लिए। तो 11वीं सिलाई पर देखिए हम क्या करेंगे, पहला फंदा स्लिप करेंगे, उसके बाद देखिए 1 फंदा जो सीधा नज़र आ रहा है इसे हमने सीधा बुनना है ऐसे, और इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, ये सीधा और ये उल्टा, इन्हें हम साथ में बुनेंगे, स्लिप करेंगे, घुमाएंगे और इस तरह से 2 का 1 कर देंगे यहाँ पे। और इसके बाद देखिए हमने क्या करना है, यहाँ पे डालनी है एक जाली, उसके बाद 3 फंदे आगे उल्टे नजर आ रहे हैं, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, 1 2 3 इस तरह से। जैसे 5th रो हमने सीधा सीधा बुनी थी धागा इस तरफ रख के, वैसे ही हमारी 11th रो भी बनेगी, तो धागा हमारा इस साइड पीछे की ओर रॉन्ग साइड की तरफ ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए वैसे करेंगे सीधा, और यहाँ पे पहले जाली डालेंगे जैसे मैंने डाली है, और उसके बाद ये सीधा और उल्टा फंदा जो है वो इस तरह से साथ में बुन लेंगे, फिर 1 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर यहाँ पे फिर से सीधा और उल्टा फंदा साथ में ऐसे स्लिप करके घुमा के साथ में बुन देंगे, और इसके बाद डालेंगे यहाँ जाली, फिर 3 फंदे सीधे, फिर 1 जाली, और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 2 का 1, और लास्ट में 2 फंदे हमने सीधे बुन लेने हैं ऐसे। अब देखिए ये हमारी 11th रो बनी। अब हम बनाएंगे 12th रो, लास्ट रो, पहला फंदा स्लिप करेंगे और सारे के सारे फंदे जो हैं इस तरह से उल्टे बना लेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और देखते रहिए निट एंड कृष्णास क्रिएटिव लाइब्रेरी, जिसमें मैं लेके आऊँगी अलग अलग तरह के निटिंग पैटर्न्स। तो ये हमारी जो है 12th रो, लास्ट रो जो है पैटर्न की, हमने ये उल्टी उल्टी बन के कम्प्लीट कर ली हैं, और इस तरह से हमारी जो है 12 सिलाइयाँ जो है हमने कम्प्लीट कर ली हैं। इसके बाद देखिए, तो ये एक बार बनने के बाद ही देखिए कितना सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है, आसान भी है, और इस तरह से अगर हल्की सी जाली भी इसमें बनती है, अगर आपको जाली पसंद है तो आप डाल सकते हैं, इस तरह से देखिए बहुत अच्छी है। और अगर आपको जाली नहीं पसंद है तो आप बिना जाली से भी इस पैटर्न को बना सकते हैं। तो अब इसके बाद जो है हमने यही 12 रोज को रिपीट किया है, और इस तरह से इस पैटर्न को जो है बनाया है। और ये पैटर्न जो है वो मैंने अपने एक प्रोजेक्ट पर बनाया है, स्लीव्स है लेडीज़ कार्डिगन की, तो इस पर देखिए मैंने स्लीव्स पर बनाया, तो इस तरह से इसमें साइड में जो है मैं स्टिचेस बढ़ाती जा रही हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बिल्कुल परफेक्ट डिज़ाइन है, और किसी को इजी डिज़ाइन चाहिए फटाफट बनने वाला, या बिगिनर्स हैं जिन्हें इस तरह से आसान पैटर्न चाहिए, तो इस पैटर्न को आप बना सकते हैं। तो बनाइए फिर और बताइए ज़रूर कि किस तरह से बनता है आपके प्रोजेक्ट्स पे, और आपको वीडियोस कैसी लगती हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.